विदेशों च वसदी संगत भी लखां की गिणती च सचखंड श्री दरबार साहब नतमस्तक होने लई आउंदी है। हुण विदेशों च बैठे अंबैसडर भी अते भारत विच बैठे अंबैसडर भी सचखंड श्री हरिमंदर साहब नतमस्तक होण गुरु दीआं खुशियां प्राप्त करन आ रहे ने। अज इकवाडोर तो अंबैसडर का एक वफद श्री दरबार साहब नतमस्तक होया, जिन्हों का स्वागत एस जी पी सी प्रधान बीबी जगीर कौर वालों किया गया। उत्थे ही बीबी जगीर कौर ने कहा कि इस वफद विच 20 देशों के हैड मौजूद सन, जो कि दरबार साहब नतमस्तक होए और श्री गुरु रामदास जी की नगरी की खूबसूरती की खूब शलाघा की। एक बड़ी खुशी की गल है कि वक् वक् देशों तो बहुत सारे अंबैसडर जड़े है, बड़िया बड़िया शख्सियत मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर्स, राष्ट्र प्रेजिडेंट्स, वो इतने आते हैं साहब श्री गुरु रामदास जी के दर के उत्ते मत्था टेकन वास्ते, ब्लैसिंग्स लैन वास्ते, श्री हरिमंदर साहब से दर्शन करने वास्ते। अज भी एक वफद जड़ा है वो इकवाडोर तो अंबैसडर जड़े से आए, जड़ा कि 20 कंट्रीज के हैड ने, वो सारे मतलब भी कंट्रीज का हैड होने के नाते उन्होंने बड़ा महसूस किया कि सानू बड़ी खुशी हुई है कि असी इत्थे आके जो सुनते सी सिक्खी दे विच, सिखां दे परंपरावां दे विच, सिख इतिहास विच, सिख धर्म दे विच, वो सचमुच इत्थे असी आके जो देखिया ते आनंद लिया कि ये ते इन्नी पायस, इन्नी प्योर और इन्नी ब्लैसिंग्स वाली जगह, ते वो बड़ी खुशी होकर गए। मैं समझदी हाँ कि ये साडे वास्ते बड़े माण दी गल है कि हर व्यक्ति जिहड़ा कोई वर्ल्ड विचों आंदा है वो इत्थे आके बड़ी शांतमई ढंग दे नाल गुरु साहिब दी बाणी सुन के गुरु साहिब दी ब्लैसिंग्स लैके जाते हैं। तो मैं समझदा कि साडे वास्ते तो धन भाग है कि असी रोज़ 24 घंटे आके गुरु रामदास दे दर ते बैठते हैं। सो सिख संगतां अज ये महसूस कर दियां हन कि सानू सारियां नू धन गुरु रामदास जी दे चरणां नाल जुड़ के हमेशा हमेशा ये पावर गुरु कोल लैनी चाहीदी है कि असी इंसानियत दे कार्ज कर सकीए, असी इंसानियत का जीवन बतीत कर सकीए और असी इंसानियत के गुणों धारण करके अपने गुरु पातशाह की खुशी ले सकी।